दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बात रोग के लिए हम शास्त्रीय दवा या पेटेंट दवा क्या लें जिससे हमको आराम मिल जाए। दोस्तों मार्केट में आज के समय में बहुत सारी कंपनियां बात दोष के लिए बहुत सारी दवाइयां बना रही हैं, जैसे कि बैद्यनाथ, पतंजलि और भी प्रकार की डाबर जैसी कंपनियां, और भी बहुत सी कंपनियां आज के समय में आई हैं जो दवाइयां बना रही हैं, जिसमें प्रमुख जो दवाइयां हैं मैं उनको आपको बता रहा हूं। अगर आप उनको यूज़ करना चाहें तो उनका यूज़ करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों जब हाथ पैर और घुटने और कमर में दर्द हो तो इसमें सबसे अच्छी जो दवा आती है वो आती है रासना। रासना का मार्केट में क्वाथ मिलता है, आप चाहें तो उसका यूज़ कर सकते हैं। सुबह शाम अगर आप दो दो ढक्कन इसको लेते हैं तो आपके बात दोष का नाश करता है और घुटनों के दर्द में और कमर के दर्द में काफ़ी फायदा करता है। दोस्तों इसके बाद दवा आती है अश्वगंधा रिष्ट। जिन लोगों को कमजोरी की वजह से हाथ पैर दर्द होते हैं, नसों की कमजोरी है, वो लोग अश्वगंधा रिष्ट को यूज़ करें, उन लोगों को काफ़ी लाभ होता है। इसके बाद आता है त्रिफला गूगल। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि गूगल बात को नष्ट करने वाला है और त्रिफला तो सभी जानते हैं, तो त्रिफला के साथ गूगल मिलाया गया है जो कि बात को नष्ट करता है, कब्जियत के कारण होने वाले बात को नष्ट करता है, जिससे भी बॉडी में काफ़ी फायदा होता है। दोस्तों अगली दवा है सिंगनाथ गूगल। जिन लोगों का शरीर सर्दी के कारण से ठंडा हो गया है और कमजोरी के कारण ठंडा हो गया है और सर्दियों में दर्द बढ़ जाता है, उन लोगों के लिए सिंगनाथ गूगल बनाया गया है जिसमें पीपर, त्रिफला और गूगल भी मिलाया गया है। दोस्तों इसी तरह एक दवा होती है योगराज गूगल। योगराज गूगल भी इन्हीं दवा से मिली जुली दवा है जिसमें दो तीन प्रकार की जड़ी बूटियां और मिलाई गई हैं ताकि रिजल्ट और अच्छा मिल सके। जिन लोगों को ये सब चीज़ें फ़ायदा नहीं करती हैं वो योगराज गूगल यूज़ कर सकता है, उसको भी बात को नष्ट करने में फ़ायदा मिलता है। कई लोगों को कोई भी दवा फ़ायदा नहीं करती इनमें से, तब दवा आती है सुरंजान। सुरंजान की भी टैबलेट आती है, सुरंजान का पाउडर भी आता है, लेकिन इसको पचाना आसान नहीं होता है, ये काफ़ी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करता है, तो गैस वाले लोग इसको ना लें। सुरंजान से भी हाथ पैर का दर्द ठीक हो जाता है। दोस्तों कुछ योग मैं अपने भी बनाता हूँ इसके ऊपर, जैसे कि हल्दी वाला योग हुआ और गूगल के और भी योग हुए, गोदंती के योग हुए, जिसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं और 15 दिन 20 दिन एक महीने में हाथ पैर का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आप यूज़ करें, व्यायाम करें और अपने हाथ पैर के दर्द के लिए मालिश भी करें। अगर ये सब चीज़ों से आपको आराम नहीं मिलता है तो आप किसी आयुर्वेदिक वैद्य से मिलकर अपना इलाज करवाएं। थैंक यू दोस्तों।